फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आप सभी को आज 14वां रोज़ा मुबारक हो। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ भजिए, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और आप लोगों के साथ भी कुछ बातें कर लेती हूँ। काफ़ी दिनों के बाद हम इस तरीके से बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी रमज़ान के महीने में काफ़ी बिजी शेड्यूल हो जाता है, तो मैं ज़्यादा कुछ मतलब कर नहीं पाती हूँ। और जो भी मैं शूट करती हूँ इफ्तारी का और वो सारा ही मैं आपके साथ शूट कर पाती हूँ, ज़्यादा बात भी नहीं कर पाती अभी, क्योंकि जब भी बड़ी फैमिली रहती है तो काम भी वो हिसाब से अपने को रहता है, सारा घर का है, बच्चों का है, इफ्तारी का करने का है, खाने का करने का है, हर चीज़ अपने को करने की रहती, तो इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ बात भी नहीं कर पा रही थी काफ़ी दिन से। तो सोचा आज आपके साथ भी बात कर लेती हूँ, कुछ मिल आपके साथ भी मिल लेती हूँ मैं। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल के भजिए, तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, मैंने इधर ऑयल भी चढ़ा दी हूँ एक साइड पे, और ये मेरा रेडी हो गया है। मूंग दाल को मैंने पीस के उसके अंदर कांदा, हरी मसाले का पेस्ट और नमक, हल्दी सारा कुछ डाल के मैंने उसको रख दी थी। कांदा भी बारीक बारीक चॉप करके मैंने डाली थी। तो देखो, अभी मैं मूंग दाल के भजिए बना रही हूँ, और मैंने एक साइड पे पुलाव भी बना दी हूँ। पुलाव भी मेरा हो गया है ऑलमोस्ट, वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने आज पुलाव, चिकन पुलाव बनाई हूँ। तो माशाल्लाह, आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए। हम लोग के तो माशाल्लाह अच्छे जा रही है रमज़ान रोज़े। बच्चे लोग भी रोज़े रख रहे हैं, उनके लिए भी दुआ करना कि अल्लाह उनको हिम्मत दे और रोज़े रखने की, और सबको सेहतमंद रखे। तो ये देखिए मेरे दाल के भजिए, मैंने ऑयल में डाल दी हूँ ऑलमोस्ट, फटाफट डाल के भजिए हो जाएंगे। तो फिर आलू के भजिए बनाते हैं। तो मैं बताती हूँ, आज हम लोग ने चिकन पुलाव बनाए हैं। देखिए, अब देख सकते हो कितना अच्छा बना है माशाल्लाह चिकन पुलाव भी, काफ़ी अच्छी तरीके से हो गया है मेरा चिकन पुलाव, ऑलमोस्ट डन हो गया है। बस अभी इसका गैस भी मैं भर कर दूंगी, और अभी साइड पे चाय चढ़ाएंगे हम, और भजिए तो मेरे बन ही रहे हैं। तो आप लोग बताइए कैसी जा रही है आप लोगों की रमजान, मुझे कमेंट में जरूर से बताइए। तो चलिए फिर भजिए हो जाते, फिर आपसे मैं मिलती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए सब रोजा खोलने। देखो इधर लाइबा भी बैठी है, लाइबा का रोजा चालू भी हो गया है ना लाइबा। देखो अमन ऊपर है अभी, अमन आज रोजा नहीं खोलेगा है ना अमन। हाँ, आज अमन रोजा नहीं खोलेगा। तो ये देखिए अयन बैठा है। सिद्धू भैया, अयन कैसे जा रहे रोजे? सिद्धू भैया, तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी सब इफ्तारी खोल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आ जाइए चाय पीने। अभी हम लोग सब चाय पीने बैठे हैं। ये देखो, ये मुस्कान बुड्ढी बैठी है इधर चाय पीने, ये लाइबा बुड्ढी है। लाइबा,
हाय, क्या कर रहे हो? छोटी समोसे खा रही हूँ। हाँ, इतना तीखा लग रहा है तुम्हारे को? हाँ, क्या हुआ? तो ये देखिए गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं चाइना ग्रास के पाउडर का हलवा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसके अंदर दूध लिया है आधा लीटर, और फिर इसके अंदर हमने थोड़ा पानी ऐड किया है। और फिर मैं अभी आपको बताती हूँ कि वो चाइना ग्रास का पाउडर कैसा दिखता है। तो ये देखिए, ये ऐसा दिखता है चाइना ग्रास का पाउडर। तो अभी हम डालेंगे इसमें। तो ये ऐसे कप का मेजरमेंट जैसा रहता है, ये 1 टेबल स्पून है। तो अभी हम डालेंगे इसमें आधे लीटर दूध में 1 टेबल स्पून चाइना ग्रास पाउडर डालेंगे। तो फिर हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे, शक्कर। अब आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, मिठास के हिसाब से, आपको कितना मीठा रखना है उस हिसाब से। तो अभी हम इसमें फूड कलर डाल रहे हैं। तो हमको जैसा कलर चाहिए वैसे हम इसको हिला लेंगे। आपको अगर चाहिए तो आप इसको प्लेन भी रख सकते हो। फूड कलर डालना है तो आपके हिसाब से, आपको जो फूड कलर डालना है आप डाल सकते हो। और फिर इसको अच्छे से हिला लेंगे। पहले हमने इसको प्रिपेयर कर लिया था, तो अभी हमने इसको गैस पे रख दिया है। फिर हम इसको अभी तक उबाल आने तक हम लोग इसको कंटिन्यूसली हिलाते जाएंगे। तो ये देखिए गाइस, जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था कि इसको हम उबाल आने तक हिलाते रहेंगे कंटिन्यूसली, तो अभी इसमें उबाल आएगा। तो ये देखिए गाइस, इसमें कैसा उबाल आ रहा है। फिर अभी हम इसका गैस स्लो कर देंगे, फिर इसको स्लो गैस पे भी थोड़ा उबाल आने देंगे। फिर उसके बाद तो अभी हम इसको थोड़ी देर और होने देंगे स्लो गैस पे। फिर उसके बाद हम गैस, गाइस यहाँ पे देखिए हमारा हलवा रेडी हो गया है। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल के हम अभी इसको सर्व कर लेंगे। तो अभी हम इसकी गार्निशिंग के लिए हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, और फिर हम इसमें बादाम डाल देंगे। जो हमारे पास ग्रेट करी हुई बादाम है वो हम डाल देंगे इसमें। तो अभी हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने रख देंगे। फिर उसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। तो ये देखिए गाइस, हमारा हलवा रेडी हो गया है और सेट भी हो गया है। तो अभी हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे, ट्राइंगल पीसेस में हम लोग इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये ऐसे कट कर लिया हमने अभी इसको। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना मस्त लग रहा है, खाने में भी अच्छा लगता है। तो आप भी अपने अपने घर में बनाइए, अपने अपनों को खिलाइए, और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।